सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग तो हम आज उठे हैं लेट एंड uh, अभी मैं जा रही हूँ प्रॉपर कुछ खाने तो मैं काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ आज तो मैं बना रही हूँ मतलब आज के आजकल हम हेल्दी ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं थोड़े दिनों से तो मैं बना रही हूँ मूंग का चीरा जिसके लिए मैंने बैटर रेडी किया है जिसमें मैंने अदरक और मिर्ची डाली है तो इतनी मुझे अदरक की खुशबू भपके आ रहे हैं भपके खुशबू नहीं बोल सकती मैं उसको सो तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पाइए मुझे लगा था मैं यहाँ पर टिका दूंगी एंड देन मैं काम कर लूँगी बट वो हो नहीं पा रहा है सो अब मैं बनाने रही हूँ चटनी धनिया टमाटर की चटनी जो कि एक्चुअली मुझे ऐसे मिक्सी में पीसने से मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आती मिक्सी वाली मुझे वो प्रॉपर सील वाली चटनी पसंद आती है अगर आप लोगों में से कोई है जिसको वो प्रॉपर सील बट्टे वाली धनिया और टमाटर की चटनी पसंद आती है तो कमेंट करके बताना मेरे को ठीक है सो दैट आई नो मैं अकेली नहीं हूँ सो <laughs> so, मुझे वो पसंद आती है बट ना रिसेंटली जब मैं भोपाल गई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मम्मी ने बनाया था चटनी धनिया और टमाटर की मिक्सी में बट वो मिक्सी में ऐसे उसको पीसती है ना थोड़ा थोड़ा करके कि वो जैसे जो सील वाला जो टेस्ट होता था, था ना वो वैसी लगती है तो मुझे वो बड़ी अच्छी लग गई है तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाने का ट्राई करूँगी पिछली बार मैंने बनाया था तो एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बना बट सम्बॉट आसपास बन गया था तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से ट्राई करने एंड चटनी पीसने फिर मैं खाऊंगी चटनी और मूंग दाल का चीला एज अ ब्रेकफास्ट मूंग दाल डोसा देन उसके बाद हमारे कुछ प्लान्स हैं ऐसे कि पहले तो मुझे मेडिटेशन में बैठना है एंड रेकी करना है मेरी फ्रेंड के लिए और उसके बाद आई दि इसमें मुझे एक डेढ़ घंटा दो घंटा लग जाएगा देन उसके बाद फिर आई एम थिंकिंग टू विजिट माई फ्रेंड्स प्लेस सो एम नॉट श्योर क्योंकि वेदर बहुत ही ऐसा सा हो रखा है बारिश आ रही है फिर रुक जा रही है फिर बारिश आ रही है फिर रुक जा, जा रही है तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है एंड uh, देखती हूँ अगर बारिश नहीं आती है एंड everything is इज गुड I'll आई her विजिट हर बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मैं काफ़ी दिनों से उससे मिली नहीं हूँ सो आई रियली वॉन्ट टू मीट हर तो थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ मैं तो आई थिंक मैं चली ही जाऊँगी अगर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो सो लेट्स ही क्या करते हैं ना खाना वगैरह हो गया मेरा उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया एंड देन आई थाट कि मैं चार पाँच बजे तक तो उठ के uh, पूजा के यहाँ चले रेडी होके बट देन सुजित का फोन आया एंड ही टोल्ड मी की इज कमिंग बैक टुडे मुझे लगा था कि वो कल आने वाले हैं बट आज अभी फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो लोग आज ही वापस आ रहे हैं तो आई हैव थॉट कि सुजित आएंगे घर घर इतना फैला हुआ है बोलेंगे मेरी बीवी घर पूरा फैला के रखी हुई है यूजली एक्चुअली इट डजेंट से बट मुझे अच्छा नहीं लगता यू नो मुझे ऐसा लगता है कि जब घर का कोई भी मेंबर है वो घर से बाहर जा रहा है और जब वो घर वापस आए तो उसको घर वाली फ़ीलिंग आनी चाहिए नो घर अच्छा खासा ऑर्गेनाइज होना चाहिए साफ़ सुथरा होना चाहिए प्यारी सी मतलब महकारी हो बहुत अच्छा लगता है तो वो घर वाली जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है वो मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं या सुजित या कोई और फैमिली मेम्बर कोई भी घर पर आता है ना लाइक like, कोई फ्रेंड्स भी आ रहे हैं कोई रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तो आई मेक श्योर कि घर काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई अगर ऐसे आया और घर पूरा फैला हुआ है मस्जाप है तो मैं बड़ी पैनिक सी हो जाती हूँ कि अरे यार शर्ट कितना गंदा लग रहा है इट डजेंट मैटर बट मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि घर बहुत ऐसे ऑर्गेनाइज रहना चाहिए बड़ी प्यारी सी एक वाइब होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल रिलैक्स सा लगना चाहिए आपको जब आप घर आओ एंड वैसे भी ये ऐसे भी अच्छा होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है इनफैक्ट हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी बोलते हैं कि अगर आप अपने घर फैला के रखते हो बिल्कुल तो उतना अबंडेंस नहीं आता है घर पे तो आपको घर ऑर्गेनाइज रखना चाहिए अपना रूम ऑर्गेनाइज रखना चाहिए अपना काम करने वाला स्पेस ऑर्गेनाइज रखना चाहिए एंड पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मेंटली बड़ी सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जब मैं घर पे घुसूँ और घर बड़ा सा साफ़ सुथरा सा दिख रहा हो तो तो मैं आपको अभी एक झलक दिखाती हूँ कि कैसा है एंड देन फिर सफाई करने के बाद दिखाऊँगी सो इस रूम में बट ऑबियस शूट करने की वजह से बहुत कपड़े फैले हुए हैं अभी भी तो so, ये पार्ट मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है अभी सफाई करके मतलब शूज़ वगैरह मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिए बट यहाँ थोड़ी चीज़ें फैली हुई हैं अभी और ये पेड़ों को मैंने धूप दिखाने के लिए वहाँ पर रखा हुआ था सो तो ये सब अभी हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं फटाफट से देना सो so, ये सेट करने के बाद फटाफट मैं रेडी हुई एंड देन पूजा के घर निकल गई और काफी लेट हो रहा था फिर मुझे वापस आने में भी लेट हो जाता तो मैंने सोचा बाकी जो है वो मैं आके कर लूँगी। सो फाइनली ये रूम भी मैंने सेट कर दिया बिल्कुल बढ़िया से अब मुझे फाइनली घर अच्छा लग रहा है तो so, बिल्कुल भागते दौड़ते पहुंची थी मैं पूजा के घर एंड समय वीडियो ही नहीं ले पाई इवन <laughs> हम लोग वहाँ गए थे तब मैंने सोचा था कि मतलब हम लोग बैठेंगे तो साथ में सेल्फीज़ वगैरह एटलीज लेंगे या थोड़ी बहुत फ़ोटो लेंगे वो भी नहीं किया हमने हम सिर्फ बात कर रहे थे क्योंकि इतने दिन बाद मिले थे तो बस हम बातें कर रहे थे एंड उसके बाद इतनी लेट हो गई थी मुझे आने में तो उसके बाद तो फिर मैं भागते भगाते वापस आई हूँ एंड uh, आके फिर मैंने थोड़ा बहुत uh, कपड़े वगैरह सुखाने के थे वो सब किया एंड अब मैं वेट कर रही हूँ सूझ एक घंटे में पहुँचेंगे आई गेस तो ठीक है मैं वेट करती हूँ एंड ये वीलॉग यही एंड करते हैं एक बहुत ही सिंपल सा डे था एंड uh, मुझे करना था यार एटलीस्ट फोटोज़ लेनी थी पूजा के साथ वो मैं नहीं ले पाई खैर कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड ठीक है बाय बाय